जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक विशेष प्रकार के इंसेक्ट जो लगता है क्या कि इनके जो टेंटिकल्स है ना, वो पूरी तरह से जो है एक टेंटिकल्स वो क्षतिग्रस्त हैं, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक विशेष प्रकार के इंसेक्ट जो लगता है क्या कि इनके जो टेंटिकल्स है ना, वो पूरी तरह से जो है एक टेंटिकल्स वो क्षतिग्रस्त हैं, है ना, जो प्रोथोरेक्स में जो है लगा हुआ है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पैर के ठीक नीचे से जो है एक टेंटिकल्स गया जो पूरी तरह से क्या है क्षतिग्रस्त है। अगर हम लोग इनके फाइलम की बात करें तो इंसेक्ट जो है वह किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं, तो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है इनके लेग्स जो होते हैं ना, वो ज्वाइंटेड होते हैं, वह क्या होता है जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए हम लोग इसको ऑर्थोपोडा के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें पूरे जंतु जगत की, तो सबसे प्रजाति जो बड़ी होती है संख्या में, इनकी तादाद जो है ज़्यादा होती है, वो ऑर्थोपोडा ही है, क्योंकि इसको हम लोग क्या कहते हैं, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम कहते हैं, क्योंकि इनके इनमें पाए जाने वाले जो जीवों की संख्या है ज़्यादातर जो है इंसेक्ट जो है आपके कीड़े मकोड़े जो हैं, इनकी संख्या या तादाद जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका शरीर भी जो है तीन खंडों में बटा, यहाँ पर जो है माउथ लाइक स्ट्रक्चर यानी कि मुखनुमा संरचना है जिसमें दो टेंटिकल्स लगे हुए हैं, यानी कि आपका थोरेसिस रीजन, उसके बाद जो है प्रोथोरेक्स, मिजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, यानी कि उस पर क्या है जो कवरिंग प्लेट्स है, आप नीचे देख सकते हैं वहाँ पर जो है एक क्या है, एक कवरिंग है जिस पर क्या छोटे छोटे स्पॉट रेडिश कलर के आपको नज़र आ रहे हैं। तो एक्चुअली में यह जो है ना फियरिंग कलरेशंस होता है, प्रोटेक्टिव कलरेशंस होता है, जो कि शत्रुओं को जो है ना इससे रक्षा करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह का जो है माउथ पोर्शंस पर स्ट्रक्चर्स है। आप जो है इसका नाम भी कमेंट में कर सकते हैं,